हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नरेगास एंटरटेनमेंट ब्लॉग। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। सबसे पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहूँगी, बिकॉज उनकी वजह से मेरे टिल डेट में अभी 200 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं, वो भी थ्री वीडियोस पर। तो उसके लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। और मैं अभी यही आशा करती हूँ कि आप लोग आगे भी मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। जो मेरा वीडियो है वो है सेल्फ स्टोरेज। ये एक सर्विस है जहाँ पर आप अपना सामान कुछ टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, और वो भी सेफली। अभी अगर आप किसी एक सिटी से दूसरी सिटी टेम्पररी ट्रेवल कर रहे हैं, और आपको है कि अगर आप 3-4 महीने बाद वापस से वही सामान को यूज़ करना है, तो आप उसको बिना स्टोर किए आप उसको सेफली एक प्लेस पर स्टोर कर सकते हैं। और आप जो अगर अभी 20 से 25 हज़ार अगर उसी सामान के लिए रेंट पे करने का सोच रहे हैं, तो वो बिल्कुल गलत है, बिकॉज आप यहाँ पर अपना पैसा बचा सकते हैं और उसको कन्वर्ट कर सकते हैं केवल 2 से 4 हज़ार के बीच में। तो इस जानकारी को जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल। तो अब जैसे कि हमें पता लग चुका है कि स्टोरेज हमारा कुछ नहीं, बस हमें अपना सामान जितने टाइम के लिए हम चाहते हैं उतने टाइम के लिए हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मेन आती है कि इसका प्रोसेस है क्या, उसके लिए किया क्या जाए। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आप उसको सर्च करें स्टोरेज स्पेसेस के लिए जो जिस भी सिटी में आप रह रहे हैं, और वहाँ पर आपको सिटी वाइज कुछ स्टोरेज सर्विसेज आपको मिल जाएंगी। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देती हूँ, स्टोनेस, सेफ स्टोरेज, तो ये बेंगलोर सिटीज़ में हैं कुछ स्टोरेज सर्विसेज जो कि किफ़ायती दरों में आपका सामान आपके मन मुताबिक उतने टाइम के लिए स्टोर करने के लिए तैयार रहती हैं। तो आपको इसके लिए कोई डिपॉजिट नहीं देना, कुछ नहीं देना, जस्ट आप पर मंथ या फिर अगर आप कोई पैकेज लेना चाहते हैं आप वो भी ले सकते हैं और अपना सामान सेफली स्टोर कर सकते हैं। तो उसका प्रोसेस ये है कि आपको केवल एक कोड ट्रेस करनी है। अब ये कोड है क्या, ये जहाँ पर आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल, आप अपना फ़ोन नंबर या फिर आप अपना ईमेल उन लोगों के पास भेज सकते हैं, जिसके थ्रू वो आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपके पास क्या क्या लिस्ट है सामान की, उस हिसाब से आप एक रफली एस्टिमेशन देते हैं कि कितने टाइम के लिए आपको वो सर्विस यूज़ करनी है। तो आप जब जाएंगे, आप किसी भी साइट पर जाके आप अपना फ़ोन नंबर उनको दीजिए, अगर आपके पास लिस्ट अवेलेबल है तो आप दे दीजिए, अदरवाइज आप लोगों को कॉन्टैक्ट करेंगे, तब आप अपना सामान उनको रफली बता सकते हैं कि क्या क्या आपके पास मेन स्टफ है, हाउस होल्ड स्टफ है, तो उस बेस पर वो आपको एक रफली एस्टिमेशन देंगे और आप अपने मन मुताबिक वो सेल्फ स्टोरेज को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी भी स्टोरेज सर्विस को लेने का प्लान बना रहे हैं, तो कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रहनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आता है इंश्योरेंस, और ये डिपेंड करता है कि आप किस वेयर हाउस में जा रहे हैं और कितना चार्ज कर रहे हैं उसके लिए, तो इंश्योरेंस पूछना बिल्कुल भी ना भूलें। दूसरी चीज़ आती है आपका 3 लेयर्स पैकिंग का, जो भी आपके कॉस्टली आइटम्स हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो लोग प्रोवाइड कराते हैं, बट आप ये चीज़ उनसे एक बार पूछ भी सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन और पैकेजिंग का, जो कि कुछ वेयर हाउस प्रोवाइड कराते हैं और कुछ आपको खुद से अरेंज करना होता है। फोर्थ पॉइंट आता है पेस्ट कंट्रोल का, जो कि वो लोग टाइम टू टाइम करते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है CCTV कैमरा, जो कि सिक्योरिटी पर्पस वाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ताकि फ्यूचर में अगर इन केस आपको ज़रूरत पड़ती है तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल भी रहेगी। सिक्स्थ पॉइंट आता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर, तो उसके लिए कुछ वेयर हाउसेस उनके सब्सक्रिप्शन प्लान रहते हैं, जिसके बेसिस पर वो आपको डिस्काउंट भी प्रोवाइड कराते हैं। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पर आप सबके लिए जानने के लिए, वो ये कि आप भूल कर भी अपने फूड आइटम्स, फ्लेमेबल आइटम्स और लिक्विड थिंग्स स्टोर ना करें, बिकॉज ये लिविंग थिंग्स को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि आपके साथ साथ दूसरे के सामान को भी हानि हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो जो कि सेल्फ स्टोरेज पर बेस्ड था। आई होप कि ये आपके काम आए और आपको इससे हेल्प मिले, ताकि आप अपना जो पर मंथ इतना ज़्यादा रेंट पे कर रहे हैं उसको कुछ हद तक बचा सकते हैं। और अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि मेरा ये वीडियो आपके लिए आज हेल्पफुल साबित हुआ है, तो उसके लिए मेरे चैनल लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।